राजा राम की नगरी ओरछा में पुलिस का बर्बर चेहरा एक बार फिर सामने आया है, जहां बेवजह पुलिस ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की और बिना किसी कसूर के उसे घंटों हवालात में रखा। ओरछा में बेतवा नदी के किनारे बने कंचन घाट पर पुलिस ने बर्बरता की नई इबादत लिख दी है। जहां एक परिवार अपनी बच्ची का मुंडन करवाने के लिए आया हुआ था, वहीं सेन समाज का युवक बच्चे का मुंडन कर रहा था, तभी वहां मौजूद पुलिस वालों ने मुंडन कर रहे युवक की डंडों से बेदर्दी से पिटाई की और 5 घंटे थाने में बिठा कर रखा और फिर पुलिस स्टेशन में भी उसकी बर्बरता से पिटाई की गई। कोरोना कर्फ्यू के चलते जहां लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई है और 2 वक्त की रोटी के लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं, वहां पर पुलिस का यह बर्बर चेहरा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हमारी पुलिस कितनी संवेदनहीन हो चुकी है और एक सामान्य व्यक्ति और अपराधी के बीच का अंतर भी पुलिस को समझ नहीं आता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।